नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए एक नन्ही सी चिड़िया के शिवरात्रि व्रत की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, शांतिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ और सेठानी बहुत धनी थे, परंतु दोनों कभी भी कोई भी पूजा पाठ, दान पुण्य आदि भगवत भक्ति के कार्य नहीं करते थे। एक समय एक नन्ही सी चिड़िया दूर से उड़ती हुई घोंसला बनाने की जगह की तलाश में सेठ सेठानी के आंगन में आ पहुंची। उनके आंगन में एक बड़ा सा पेड़ लगा था। चिड़िया ने उस पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया और वहां रहने लगी। अब वो चिड़िया दाने की तलाश में सेठानी के घर की ओर देखने लगी। जब कई दिनों तक उसे सेठानी के घर से कुछ भी खाने को नहीं मिला, तो वो आस पास के घरों में जाकर दाना चुगने लगी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, ऐसा क्या कारण है कि उसे इतने बड़े घर से अन्न का एक दाना भी नहीं मिल रहा। ऐसा सोचकर वो चिड़िया सेठ सेठानी के घर के छज्जे पर आकर बैठ गई, तो देखती है सेठ सेठानी अंदर आपस में बातें कर रहे थे। हम क्या करें, हमारे कोई संतान नहीं है। हमारे पास इतना सारा रुपए पैसा है, लेकिन इसे भोगने वाला कोई भी नहीं है। ऐसा कहकर सेठानी जी रोने लगी। सेठानी को रोता देख चिड़िया को बहुत दुख हुआ। अब चिड़िया रोज सेठ जी के घर के छज्जे पर जाकर बैठ जाती और उनकी बातें सुनती और देखती कि सेठ और सेठानी संतान की कामना से बहुत तड़प रहे हैं। सेठ सेठानी की ऐसी दशा देखकर चिड़िया को उन पर दया आने लगी। बिना बच्चों का जीवन निरर्थक है, निसंतान औरत बहुत दुखी रहती है। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सेठानी जी को संतान प्राप्ति हो जाए। एक दिन वो चिड़िया मंदिर के आंगन में दाना चुग रही थी, तभी उसने पुजारी जी को कहते हुए सुना, फागुन का महीना शुरू हो गया है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महाशिवरात्रि का पर्व है। इस दिन भोलेनाथ की सच्ची भक्ति करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पंडित जी की ऐसी बात सुनकर चिड़िया ने निश्चय कर लिया कि वो सेठानी के संतान प्राप्ति के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करेगी। ऐसा सोचकर चिड़िया ने वहां से उड़ान भरी। छोटी सी चिड़िया भूखी प्यासी कई दिनों की यात्रा करती रही और आखिरकार कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। कैलाश पर महादेव और माता पार्वती को देखते ही नन्ही सी चिड़िया गिरकर बेहोश हो गई। माता पार्वती ने चिड़िया को अपने हाथों में उठाया और कहने लगी, चिड़िया तुम्हें क्या परेशानी है, तुम यहाँ कैलाश पर कैसे आई? चिड़िया बोली, माता मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ, जहाँ एक सेठ और सेठानी रहते हैं, जो निसंतान होने के कारण बहुत दुखी रहते हैं। मैं उस सेठानी को संतान के लिए तड़पता हुआ नहीं देख सकती। सेठ सेठानी की संतान प्राप्ति की कामना से मैं यहाँ कैलाश पर आपके पास आई हूँ। चिड़िया की बात सुनकर माता पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी, स्वामी सेठ सेठानी के संतान का योग है या नहीं? तब भोलेनाथ बोले, पार्वती सेठ सेठानी के संतान का योग नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई भी दान पुण्य, पूजा पाठ आदि भगवत भक्ति नहीं करी, इसलिए वो दोनों संतानहीन हैं। माता पार्वती बोली, स्वामी ये छोटी सी चिड़िया इतनी दूर उन दोनों के लिए आई है, तो इसे खाली हाथ तो मैं नहीं जाने दूंगी। महादेव बोले, पार्वती ये संसार सागर है, इसमें हर व्यक्ति किसी ना किसी बात से दुखी है, तुम किस किस का दुख दूर कर पाओगी? पार्वती जी बोली, स्वामी ये चिड़िया हमारे पास बहुत दूर से एक आस लेकर आई है, हम इसे खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। तब भगवान भोलेनाथ बोले, चिड़िया तुम्हारी भगवत भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि आज से ठीक 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन संतान प्राप्ति के बाद उन्हें भगवत भक्ति का भान, पूजा पाठ, दान पुण्य आदि करना होगा। ऐसा सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो गई। भोलेनाथ और पार्वती जी का आशीर्वाद लेकर फिर वो वहां से चल दी। सेठ जी के घर पहुंचकर चिड़िया को पता चला कि सेठानी गर्भ से है।
9 महीने बाद सेठानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ये देखकर चिड़िया बहुत खुश हुई। अब चिड़िया आंगन में बैठी सेठानी के बच्चे को बड़ा होता देख रही थी। बच्चा जो कुछ भी खाता पीता इधर उधर गिरा देता। गिरे हुए खाने को चिड़िया उठाकर खा लेती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और देखते ही देखते सेठानी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। 5 महाशिवरात्रियां आई और चली गईं, परंतु सेठ और सेठानी ने कोई भी भगवत भक्ति का पूजा पाठ आदि का कार्य नहीं किया था। अब चिड़िया को इस बात की चिंता होने लगी। चिड़िया ने सोचा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि इन्हें भगवत भक्ति का ज्ञान कराना बहुत जरूरी है। अब चिड़िया ने एक बार फिर कैलाश पर्वत की ओर उड़ान भरी। कई दिनों की यात्रा करने के बाद चिड़िया फिर से कैलाश पर्वत पहुंची। चिड़िया को देखते ही माता पार्वती बोली, चिड़िया अब क्या परेशानी है? अब तो सेठ सेठानी को संतान भी मिल गई है। चिड़िया हाथ जोड़कर महादेव और माता पार्वती से प्रार्थना करने लगी और बोली, हे भगवान, मेरी एक समस्या है। सेठ सेठानी ने पुत्र प्राप्ति के बाद भी भगवत भक्ति नहीं करी है। मैं उन्हें ये बात कह नहीं सकती और वो दोनों ये बात समझ ही नहीं सकते। इसलिए आप दोनों को मेरी इस कार्य में सहायता करनी होगी। अब माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, चिड़िया की बात बिल्कुल सही है, लेकिन उन्हें यह भान कैसे होगा? तब चिड़िया बोली, माता, आप और प्रभु दोनों उन्हें इस बात का भान कराएं कि वो अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तब चिड़िया की बात मानकर माता पार्वती और शिव शंकर ने एक साधु और साध्वी का भेष धारण कर लिया और दोनों सेठ सेठानी के घर पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने भोजन करने की इच्छा प्रकट करी। ये बात सुनकर सेठ और सेठानी बहाने बनाने लगे, इधर उधर देखने लगे। तभी उनका छोटा सा बेटा बाहर आया और हाथ पकड़कर भोलेनाथ और माता पार्वती को घर के अंदर ले गया और भोजन कराने के लिए बिठा दिया। तब अपने बच्चे की इच्छा देखकर सेठानी ने भोलेनाथ और माता पार्वती को भोजन कराया। तब वह बालक भी उनको भोजन कराने लगा। भोजन करने के बाद जब माता पार्वती और भोलेनाथ जाने लगे तो सेठ सेठानी बोले, हमसे यदि कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। इस पर वह बोले, गलती तो तुम बहुत बड़ी कर रहे हो। ऐसा सुनकर सेठ सेठानी घबरा गए और बोले, साधु बाबा, हमें बताइए कि हमारी क्या गलती है, हमें क्या करना चाहिए। तब साधु बने भोलेनाथ बोले, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे नसीब में यह पुत्र था? ये तो एक चिड़िया की भक्ति के परिणाम स्वरूप तुम्हें प्राप्त हुआ है। उस चिड़िया ने तुम्हें संतान सुख तो दिलवा दिया, लेकिन भगवत भक्ति का लगाव तुम्हारा नहीं लगा सकी। आज से तुम दोनों पूजा पाठ दान पुण्य आदि करो, गरीबों को भोजन कराओ, भगवत भक्ति में अपना मन लगाओ, जिससे तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्राप्त होगी। यह सुनकर सेठ और सेठानी को बहुत पछतावा हुआ। अब उन दोनों के मन में भगवत भक्ति की लौ जल चुकी थी। वो दोनों खूब पूजा पाठ करने लगे और प्रभु का गुणगान करने लगे। फिर से एक बार जब फागुन मास की महाशिवरात्रि आई तो दोनों पति पत्नी ने शिवरात्रि का व्रत किया, पूरे विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा करी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।